एवोल्यूशन. अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है. नाउ वी हैव टू टेक एविडेंसेस. एविडेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रूफ. ठीक है ना, हमें कैसे पता चला कि हमारे एंसेस्टर्स एप थे या उनके पहले जो इवोल्यूशन हुआ है. वी आर सेइंग दैट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये स्पाइसेस वेयर द फर्स्ट फिशेस. फिशेस का इवोल्यूशन के बाद एम्फीबियंस है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन के बाद रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के बाद एव्स है, एंड एव्स के बाद मैमल्स है. तो हम ये जो सीक्वेंस बता रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, कुछ एविडेंसेस होना चाहिए उसके लिए. सो दैट यू आर गोइंग टू लर्न कि व्हाट आर द एविडेंसेस और हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मस्ट हैव टेकन प्लेस फ्रॉम पाइसेस टिल द मैमल्स. सो लेट अस लर्न दैट. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू लर्न दीज फोर सब टॉपिक्स. यू हैव टू लर्न द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. You have to learn what are the morphological and anatomical evidences. Evidences means proof. You have to learn biochemical evidences, and then you have to learn about how the evidences for evolution by the natural selection. Okay. So let us learn one by one. So let us learn the first one, that is the paleontological evidences. I request all of you to open your textbook, page number 106. Page number 106 of your textbook. Done, all of you? Okay. So, what do you mean by the term paleontology? So, again, this is a homework for you. Please note down. Define paleontology. So, paleontology ka matlab hota hai study of fossils. ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फॉसिल. सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक. और अ सिंपल वर्ड आई कैन से दैट दिस आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच मस्ट हैव बीन लिव्ड इन पास्ट इन वेरियस ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल लेयर्स. जैसे आज हम बोलते हैं कि हमसे पहले डायनासोर्स रहते थे, तो आज हैं क्या डायनासोर्स? नो, हमने किसी ने भी डायनासोर्स को नहीं देखा है. बट हाउ वी कैन से दैट कि नहीं, हमसे पहले डायनासोर्स रहते थे अर्थ पे? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स विच वी हैव गॉट. है ना, हमें उनका बोन्स मिला है. यस, बोन का स्ट्रक्चर मिला है. यस, तो जो जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका अर्थ के नीचे वी कैन सी द बोन्स का रिमेनिंग. यस, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फॉसिल. तो फॉसिल का मतलब आप क्या लिखोगे बेटा? डेड रिमेन्स ऑफ आइदर अ प्लांट और एनिमल विच वी कैन सी इन द डिफरेंट जियोलॉजिकल लेयर ऑफ अवर अर्थ क्रस्ट. ठीक है, नाउ स्टडी ऑफ फॉसिल से हमें क्या मिलता है? वी कैन कन्विंस or that is the actual evidences for the evolution. Okay, fossil record dikhakar, fossil is what? It is a document. I can say that it is a document, or I can say that it is a convincing evidence to prove that ki this is how the evolution must have taken place. Very clear? Okay, next let us learn about the Yes, अभी फॉसिल्स के बारे में मुझे थोड़ा और भी बताना है आपको, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में. सो फॉर दैट वेट, आई विल गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक. जस्ट वन मिनट बेटा. ऑल ऑफ यू कैन सी द टेक्स्ट बुक नाउ. टेक्स्ट बुक दिख रहा है बेटा सबको? प्लीज से यस और नो. अच्छा, टेक्स्ट बुक नहीं दिख रहा है. वेट, नाउ आई होप इट इज विजिबल. यस मैम. सो So we are here.
ठीक है. सो आपको होमवर्क क्या मैंने बताया, यू हैव टू राइट डाउन द पैलेंटोलॉजी का डेफिनेशन फ्रॉम हियर योर टेक्स्ट बुक, दिस टू लाइंस. स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी. Next is you have to write down the definition for fossil. So what will be the definition of fossil? So again the definition is here. Fossils are the dead remains of plants and animals that lived in past in various geological layers. Okay. So next topic which we are going to learn is the types of fossil which can be asked in the board exam. Okay. So types of fossils. There are three different types of fossils. As the actual remain. Yes. Actual remain. Molds. Cast and compressions. Okay, कौन कौन से है types of fossils में. So again you are going to write down the answer for types of fossil. Types of fossil लिखोगे, उसको चार part में divide करोगे. कौन कौन से है, actual remain, molds, cast and compressions. Actual remain का मतलब क्या है, जो बहुत पहले ही गुजरा हुआ है और उसका हमें, जैसे हमने earth को dig किया. यस, अर्थ को डिग करने के बाद जो सबसे पहला मिलेगा हमें कोई एविडेंस तो या फिर फॉसिल जो मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल रिमेन. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स वी आर सेइंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो हमें क्या मिल रहा है, उसका बॉडीज मिल रहा है, गॉट एम्बेडेड इन द परमाफ्रोस्ट ऑफ आर्टिक और एल्पाइन स्नो रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन द एक्चुअल स्टेट. व्हाट इज दिस परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट का मतलब है बहुत साल तक, दो तीन साल तक अगर माउंटेन पे, बड़े बड़े माउंटेन पे, वो फ्लैट माउंटेन, यू कैन सी दैट इन गूगल ऑल्सो. ठीक है, परमाफ्रोस्ट का डायग्राम यू कैन सी ऑन गूगल. ठीक है, तो उसके अंदर जब हमें ये नजर आता है, ठीक है, एक्चुअल रिमेन जब हमें नजर आता है इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ऐसा ग्राउंड जो बहुत दिनों तक फ्रोजन है, that is called as a permafrost. Frost का मतलब क्या होता है, frozen type. So of Arctic या फिर alpine snow regions में अगर हमें ये actual नजर आएगा, अगर उसका bodies नजर आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, actual remain. तो आप exam में क्या लिखोगे, हाँ, actual remain का answer क्या लिखोगे, if we get actual remains of plant or animal body. Example दिया है यहाँ पे, बोली man moth, it is a type of a moth in Siberia. Amber or hardens resin contains preserved bodies of many insects and the arthropods. Very clear? Next is mold. Mold ka matlab kya hota hai, normally mold, agar aapke ghar mein cake wagera banate rahenge to molds ka istemal kiya jata hoga. मोल्ड का मतलब होता है साचा, जैसे गणपति के टाइम पे मोदक बनाने का मोल्ड्स मिलता है, करंजी बनाने का मोल्ड्स मिलता है, तो मोल्ड इज नथिंग बट द साचा. तो क्या होता है मोल्ड, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई एनिमल मर गया है और वो अर्थ में नीचे नीचे चला गया है, तो उसके शेप का वो जमीन, वो जो अर्थ है वो एक शेप ले लेती है उसके बॉडी का, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मोल्ड. So it is the hardened encasement formed in the outer part of the organic remain which later decays, leaving cavities. ठीक है, जैसे कोई एनिमल गुजर गया है वहां पे, तो वो उतना पार्ट, वो उतने दिन, जितने दिन वो डीके, उसका डिकम्पोजिशन होगा, वो उतने पार्ट में क्या हो जाएगा, एक टाइप का मोल्ड बन जाएगा. ठीक है, so body parts of plants or animals later decays but the impression still remains. So mold is nothing but the impression and it becomes permanent. Jaise ki footprints are formed in this manner. ठीक है, जैसे footprint भी एक mold है ना, footprint से भी हम पता कर सकते हैं कि ये किसका footprint है. Very clear beta, are you getting what I mean to say? Yes or no? Yes. अच्छा, next is cast now. अब कास्ट क्या है कि यही जो मोल्ड्स है, यही जो मोल्ड है, ये जो साचा बन गया, ये जो खड्डा बन गया उनके शेप का, जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर, तो डायनासोर का फॉर एग्जांपल वो एक शेप का एक मोल्ड बन गया. अब ये मोल्ड बहुत दिन तक उसके ऊपर मिनरल डिपॉजिट होते जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक हार्ड मिनरल या हार्ड रॉक के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कास्ट बोलेंगे.
तो पत्थर को एक मतलब एक ऐसा रॉक जिसको एक शेप आ गया है, दैट इज कॉल्ड एज द कास्ट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्रेशन. इंटरनल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट अ थिन कार्बन फिल्म इंडिकेट्स द आउटर लाइन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स. है ना, जो भी ऑर्गन्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे कि सब चीजें, तो वो तो obviously decompose हो जाता है. पर यहाँ पे स्टमक था, यहाँ पे ऐसा बीक था, यहाँ पे ऐसा पंख था, तो पंख का जो कार्बन फिल्म है, बिकॉज एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन का जो फिल्म है, हाँ, उसका एक कंप्रेशन रहता है, आउटलाइन रहता है, जिससे भी हम एक ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसा कुछ टाइप का दिखता होगा, एज वी हैव ड्रॉन द फॉर द डायनासोर्स. ठीक है, वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स कि देयर वर टू डिफरेंट, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, वेजिटेरियन डायनासोर्स, नॉन वेजिटेरियन डायनासोर्स, फ्लाइंग टाइप ऑफ डायनासोर्स. तो ये सब हमें कैसे पता चला? ये मोल्ड से, कास्ट से, कंप्रेशन से, या फिर कुछ कुछ का हमें एक्चुअल रिमेन्स भी मिला. So this is what is called as a paleontological evidences. Now, iska significance can also be asked in your exam, board exam. So please memorize this significance. Paanch nahi, to char to at least padhi lo. Agar do mark ke liye pucha hai, then 4 points are expected. So at least learn 4 easiest one. To hum kis liye ye, iska kya importance hai? Hume isse phylogeny pata chalta hai. फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्री, कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं. तो हम इस पैलेंटोलॉजी के वजह से हम अपना एंसेस्टर्स पता कर सकते हैं. इट हेल्प इन स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. यस, एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया है? कि जो अब एनिमल्स नहीं रह गए हैं, पर वो कैसे दिखते थे, उनका फॉर्म कैसा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, वो भी हम समझ सकते हैं बाय दिस एविडेंसेस. नाउ इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग लिंक. यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट. मिसिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. अभी जैसे हम बोलते हैं बेटा कि फिश है, फिश के बाद जब एनिमल लैंड पे आया तो डायरेक्टली लैंड पे नहीं आया, है ना. फिश के बाद देयर वर एम्फीबियंस. तो एम्फीबियन क्या है? आई कैन से दैट amphibian is a connecting link between the fish and the matlab fully aquatic animal and the terrestrial animal. aapko samajh rahe hain main kya bolna cha rahi hu beta? matlab jab bhi hum evolution hua to pani mein rehne se directly ek din koi to bhi animal zameen pe nahi aa gaya. evolution ke time pe aisa animal bana jo pani mein bhi reh sakta tha, zameen pe bhi reh sakta tha, to usko humne amphibian naam diya. ठीक है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और फिर ऐसे एनिमल आए जो सिर्फ ट्रूली जमीन पर रहने लगे. तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक मतलब जो दो क्लासेस को कनेक्ट करता है, जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन रहते हैं, उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं. तो हम पैलेंटोलॉजी से कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे हमें पता चलता है कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे उनका हैबिट कैसा था. यस, एंड इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस और अ प्रूफ. इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैंने अभी तक क्या बताया आपको? राइटिंग डाउन डेफिनेशन ऑफ पैलेंटोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ फॉसिल, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, एंड इन शॉर्ट यू हैव टू राइट डाउन. पूरा टेक्स्ट बुक नहीं छापना है, इन शॉर्ट. And significance of paleontology. Now, next topic which we are going to learn is the connecting link or the missing link. As I've told you, connecting link मतलब जो दो ग्रुप को जोड़ता है, जो दो ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है, और ऐसा प्रेजेंट होगा कि जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे. जैसे amphibian, a frog. Frog पानी में भी रह सकता है, उसके अंदर वो पानी में भी स्विमिंग वाले भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लैंड पे रहता है इसलिए उसके पास लंग्स भी हैं. आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? मतलब ऐसा एनिमल, हाँ, जो दो अलग अलग हैबिटेट में रह रहा है, पर उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक और द मिसिंग लिंक.
ठीक है. So I can say that it is a transitional stage or an intermediate stage between the two group of organism. और ये क्या दिखाता है connecting link? It shows both the group का characters दिखाता है. अच्छा अब ये आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है. So please underline, this can be what to say hidden question from your textbook. So it's a Semoria. Semoria is a connecting link between amphibians and reptiles. अभी आपने अभी तक क्या पढ़ते आए हो आप कि fishes के बाद amphibian आया, amphibian के बाद reptile आया. नहीं, but amphibian और reptile के बीच में भी connecting link है जो अब वो आप 12th में पढ़ोगे, that is a Semoria. So please memorize this name. Semoria is a connecting link between amphibians and reptiles. तो ये जो Semoria है ये आज के डेट में हमें देखने को तो नहीं मिलता है, पर इसका हमें पैलेंटोलॉजी मिला, हमें इसका फॉसिल्स मिला, फॉसिल रिकॉर्ड्स मिला, जिसके अंदर एम्फीबियन के भी कैरेक्टर्स थे और रेप्टाइल वाले भी कैरेक्टर थे. ठीक है. अच्छा हमें किसका फॉसिल मिला है? तो वो मिला है आर्कियोप्टेरी का. ठीक है. आर्कियोप्टेरी क्या है? ये अभी भी स्टोर्ड है इन दी लाइब्रेरीज एंड ऑल म्यूजियम में, अभी भी आर्कियोप्टेरी का फॉसिल्स इज बीन स्टोर्ड. तो आर्कियोप्टेरी क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड. तो अब इसके पास रेप्टाइल वाले भी कैरेक्टर्स होंगे और बर्ड्स वाले भी कैरेक्टर्स होंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. देन आर्कियोप्टेरी लिथोग्राफिका, व्हाट इज इट? इट इज अ फॉसिलाइज्ड क्रोसाइज्ड टूथ बर्ड फाउंड फ्रॉम जुरासिक रॉक इन जर्मनी. It is called as a missing link between the reptiles and the bird because it has both the characters. So, what is the full name of Archaeopteryx? Archaeopteryx lithographica. Yes. कैसा है ये? ये bird जैसा ही दिखता है. Yes, bird जैसा ही दिखता है, पर उसके अंदर reptile वाले भी characters हैं. अगर आपका textbook on है तो you can see on page number 107. उसका photo देखो. Please see the photo of Archaeopteryx. तो कौन कौन से reptile वाले character आपको नजर आ रहे हैं? उसके पास long tail है. Birds के पास long tail नहीं होता है ना, पर reptiles के पास long tail होता है, तो इसके पास long tail है. Reptile के पास claws होते हैं, तो इसके पास भी claws है. Scales होता है. Birds के body पे scale होता है क्या? नहीं, feathers होते हैं, पर इसके body पे scales है. Single headed ribs है. Yes. Abdominal ribs are present, which looks like ribs of crocodile. So reptile वाले character. Jaw with homodont teeth. What is homodont? Homodont means same type of teeth. और क्या है? Sternum without keel. Keel क्या है? Sternum bone में जो रहता है. Sternum bone का जो बीच वाला part है, that is called as a keel. Bones are solid. नॉन न्यूमैटिक का मतलब क्या होता है? हॉलो. बर्ड्स का जो बोन होता है वो हॉलो बोन्स होता है, तो इसका जो बोन है वो हॉलो नहीं है, मतलब ये उड़ सकता है पर बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है. हाइंड लिम्स हैव फोर क्लॉड डिजिट्स. तो पीछे के पैर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि फोर क्लॉड डिजिट्स है. अब एवियन कैरेक्टर्स क्या है? एवियन का मतलब होता है बर्ड वाले कैरेक्टर्स क्या क्या है. तो बर्ड वाले क्या है? फेदरी एक्सोस्केलेटन नजर आ रहा है हमें, मतलब फेदर्स भी है और स्केल्स भी है. फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स हो गया है. जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक हो गया है. स्कल बोन इज कंप्लीटली फ्यूज्ड. क्रेनियम नजर आ रहा है हमें. क्रेनियम के अंदर लार्ज ऑर्बिट्स है एंड सिंगल कॉन्डाइल. Yes, हम लोग के पास दो कॉन्डाइल्स होते हैं, therefore we are dicondylae, और यहाँ पे लार्ज ऑर्बिट्स है प्रेजेंट ब्रेन के अंदर. क्रेनियम मींस ब्रेन बोन में. लिम बोन्स आर बर्ड लाइक. हाइंड लिम्स विद फोर टोज, फर्स्ट टो इज ओपोजेबल. जैसे बर्ड्स का जो थंब जिसको आप बोल सकते हो वो अपोजेबल रहता है. तो इससे क्या क्लियर होता है कि ये जो है बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. एंड हक्सली जस्टिफाइड दिस बाय कॉलिंग बर्ड एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स.
this is also been asked in many of the this exams. What to say? NEET ke exam mein bhi Huxley ke baare mein pucha jata hai ki who described bird as glorified reptiles. So Huxley described birds as the glorified reptiles. Is that very clear, beta? Anybody is having any doubt? Can ask me. You can see now on the screen. Phylogeny का मतलब होता है ancestry. तो मैंने आपको यहाँ पे एक दिखा है जैसे horse का ancestry. ऐसा यहाँ से शुरू हुआ तो फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा और फिर जाकर ये modern horse बना है. तो this is what is called as a phylogeny, evolutionary history. और race history is called as a phylogeny. आर्कियोप्टेरी के बारे में आई जस्ट वांटेड टू शो यू. नाउ यू कैन सी अ वेरी क्लियर व्हाट टू से कलर्ड फोटो ऑफ दिस आर्कियोप्टेरी. सी द लेबलिंग्स, सी ऑल ऑफ यू द लेबलिंग्स. Any doubt? किसी को कुछ doubt है तो you can please unmute yourself and ask me. See, this is how we have got it. This is a side. This is how it is used to. You can see that homodont teeth. है ना, उसके beak है, beak में भी teeth है. जबकि birds के beak में teeth नहीं होता है. पर ये reptile वाले characters भी दिखा रहा है ना, तो इसके beak में homodont teeth है. This is what is the fossil which we have found. This is how they have predicted that they used to be near the tree or they used to climb on the tree. So this is about the dinosaur. I just wanted to show you. This is a fossil record. देखो ऐसा bones का हमें अगर ये मिलेगा तो we can draw or we can imaginary show that कि ऐसे ही कुछ dinosaur दिखता होगा. ऐसे ही हमें fossils मिलते हैं. ठीक है, ये क्या है, ये कौन से type का fossil हो जाएगा, ये actual remain हो जाएगा. means हमें actually bones मिल रहे हैं. देखो this is how we get in the earth crust जब हम dig करते हैं तभी. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि अलग अलग टाइप के भी डायनासोर्स हैं, हॉर्न्ड डायनासोर्स भी होते हैं. यू कैन सी द रिमेन्स ना, अभी आप देख सकते हैं ये फॉसिल्स का फोटो. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री लेयर. दिस आर द सेडिमेंट्री, यू कैन सी ओवर हियर. देखो यहाँ पे क्रेनियम, सर वगैरह दिख रहा है, हड्डी वगैरह दिख रहा है. फिर नीचे नीचे और नीचे नीचे जाओगे तो क्या नजर आएगा, मोल्स एंड कास्ट नजर आएगा. ठीक है, सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन द सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. वेरी क्लियर बेटा? यस और नो? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? इतना जहां तक पढ़ के हुआ, उसके बाद बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. आपको ये एक्टिविटी है, ये आपको करना है बिकॉज ये एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में. बेलानोग्लोसिस वन में आपको बता देती हूँ. बेलानोग्लोसिस, डू यू रिमेम्बर? ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है आपका. बेलानोग्लोसिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीबडी. किसी को पता है आंसर? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. शाबाश, वेरी गुड. नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा के बीच में नहीं मालूम. लंगफिश, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सेमोरिया. अभी तो मैंने आपको बताया सेमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स.
वेरी गुड. ये बाकी का जो भी ऑप्शंस है दैट यू विल बी फिलिंग इट. हाँ, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर गूगल एंड यू कैन जस्ट फिल ऑल दिस. आइस्टोस्टेजिया के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, वो उन्होंने दिया है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस. सी, बोर्ड एग्जाम में ना यही सारे चीजों का फायदा लिया जाएगा. अभी बहुत सारे बच्चे ये एक्टिविटी कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, बट यहीं से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज दे विल से कि दे हैव क्लियरली गिवन द आंसर फॉर द सेम. आइस्टोस्टेजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस. ठीक है, तो बोर्ड बोलेगा ना कि हमने तो दिया ही है लिख के, ये आपको फाइंड आउट भी नहीं करने को दिया है, हमने तो दिया है, तो वी कैन आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, सो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट द एक्टिविटी पार्ट ऑल्सो. हाँ, सो अगेन द होमवर्क फॉर यू इज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बॉक्स. हाँ, the fossil of Archaeopteryx, as I've told you just now, was found in Jurassic rock of and it was been kahan pe, kaun se museum mein rakha gaya hai, Berlin ke museum mein rakha hai. Please ye sab bhi naam yaad rakhna, important hai for MCQ, for MCQ. So please you will be write down again a homework about the Archaeopteryx. मैं वापस आपको होमवर्क रिवाइज करवा के भी दूंगी कि क्या क्या दिया है. चलो अब हम मॉर्फोलॉजी पे आते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही ईजी भी है, जो हर साल हर बच्चों को बहुत पसंद भी आता है. फर्स्ट वन इज होमोलॉगस ऑर्गन. होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब है जिसका ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है. अंदर से स्ट्रक्चर सेम. अभी आपको मालूम है कि हाथ का बनावट कैसे होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ा है. तो हाथ का बनावट कैसे होता है? ऊपर के बोन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस. फिर दो बोन इज कॉल्ड एज रेडियस अल्ना. फिर अब आता है अपना wrist bone is called as carpals. फिर palm bones और metacarpals. एंड उंगलियों को हम क्या बोलते हैं? Phalanges. तो humerus, radius ulna, carpals, metacarpals, phalanges. ठीक है, तो ये हमारा हाथ का बोन का स्ट्रक्चर है. और हम अपने हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर डूइंग अवर नॉर्मल एक्टिविटी और फॉर होल्डिंग द थिंग्स. करेक्ट है, बट यही सेम पैटर्न ऑफ बोन्स हमें लिजार्ड में भी नजर आता है, हमें बर्ड्स में भी नजर आता है, हमें बैट में भी नजर आता है, हॉर्स में भी नजर आता है और व्हेल्स में भी नजर आता है. इसका मतलब क्या? अंदर से सबका ऑर्गन सेम है पर सबका काम अलग अलग है. लिजार्ड में वही चीज क्रॉलिंग के लिए काम में आता है, हॉर्स में रनिंग के लिए काम में आता है, व्हेल में स्विमिंग के लिए काम में आता है, बर्ड में बैट में उड़ने के लिए काम में आता है, बर्ड में भी उड़ने के काम में आता है और हमारे में होल्डिंग द थिंग्स के लिए आता है. तो इसका मतलब क्या है? अंदर से सबका बोन एक ही जैसा बना है. सबके पास ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस है पर सबका काम अलग अलग है. तो होमोलोगस ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट हैव डिफरेंट फंक्शंस. वेरी क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज उसी का अपोजिट आपको पढ़ना है, दैट इज दी एक और आपको होमोलोगस ऑर्गन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स. बोगनविला आपने देखा है, थॉर्न, यस, देन यहां पे टेंड्रिल्स, लीफ, ये इसका लीफ है, ये उसके टेंड्रिल्स हैं, दिस इज द स्टेम. ठीक है, सो स्ट्रक्चरली सेम है पर काम अलग अलग है. यहाँ का स्टेम अलग काम कर रहा है, यहाँ का स्टेम अलग काम कर रहा है. कुकुरबिटा में वही स्टेम जो है वो क्या काम कर रहा है? इट हेल्प्स इन क्रीपिंग. और बोगनविलाय का वैसा नहीं है. ठीक है ना, बोगनविलाय का प्लांट जो है वो क्रीपर नहीं है, कुकुरबिटा का प्लांट जो है दे आर क्रीपर्स. सो what they are explaining the same thing, all of them are having humerus, radius ulna, metacarpus, phalanges. Again,
vertebrates have brain and heart. Plants may thorns of bougainville and tendrils of represent homology. Thorn भी वही काम कर रहा है, tendril भी वही काम कर रहा है. So यहाँ पे the structure similarity between the homologous organ indicate that they have a common ancestors. And this is an example of divergent evolution या फिर adaptive radiation. Again an important question for your board exam. What is divergent evolution? अभी आपने इतने दिन तक homologous organ पढ़ा होगा, because ये ऐसे बहुत सारे बच्चों का हो चुका है, ये पहले के भी सिलेबस में ये टॉपिक था. तो बहुत सारे बच्चे homologous organ पूछे तो सब बताते थे, पर अगर उनको वही चीज में अगर पूछती थी कि एक्सप्लेन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फेस. तो प्लीज रिमेम्बर द अदर टर्म ऑल्सो. सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज नथिंग बट दिस होमोलोगस ऑर्गन ही आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन भी बोल सकते हैं. अब आता है एनालॉगस ऑर्गन्स. अभी इसका ही अपोजिट है, मतलब इसमें क्या है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर बट फंक्शनली सिमिलर. मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग है पर फंक्शन सेम है. वेरी क्लियर. तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनालॉगस ऑर्गन का, जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल डिफर इन द रेटिनल पोजिशन बट स्ट्रक्चर ऑफ लेंस एंड ओरिजिन ऑफ डिफरेंट आईज पार्ट. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. Sweet potato and potato stores both of them are there storing the food. But a root modification, a stem modification. Or acha example ke liye I can tell you many examples for this analogous organ. Analogous organ ke liye I can tell you the best example is of the birds. Jaise bird mein wings hai udne ke liye. Bat mein bhi aap usko bol sakte ho wings. Or insect mein bhi wings hai. पर इंसेक्ट का विंग बोन से नहीं बना है ना. बटरफ्लाई का जो पंख है वो बोन से बना है क्या? नहीं. पर उड़ने के काम में आता है. बैट जो उड़ पाता है वो किससे उड़ पाता है? उसके पास प्रॉपर यूमरस ऐसा है क्या? नहीं. उसका पाम जो है, हाँ पाम ही मॉडिफाई हुआ इनटू विंग्स, करेक्ट है. तो मतलब वो भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है. नॉर्मल बर्ड में फोर लिम्स इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स. समझ में आया? मतलब क्या, सबका काम सेम है. सबका काम क्या है? उड़ना. बट स्ट्रक्चरली सब अलग अलग है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन. आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि आप स्वीट पोटैटो का बोल सकते हो एंड पोटैटो का बोल सकते हो. दोनों का काम है फूड स्टोरिंग, बट एक रूट मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन है. वेरी क्लियर. Flippers of penguins, वैसे उसको, और flippers of dolphins, dolphin का flipper उसको swimming में काम देता है, पर flipper of penguins उसको swimming नहीं करवाता है, वो बस ऐसे उसको हिला के चलता है, करेक्ट है ना? So analogous organ leads to the convergent evolution. So please underline and note down. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. उसके पहले क्या था? हमने होमोलोगस में क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. और यहाँ पे क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सो दिस ऑर्गन्स दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन. ठीक है. एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर इन एवोल्यूशन. You can see the example for birds and the insects. Next, what we are going to learn is the vestigial organ. Vestigial organ is also called as a non-functional organ or the useless organ. But no doubt, it shows the ancestry. है ना? It is also called as a rudimentary organ. मतलब rudimentary means छोटे form में present है. तो वेस्टिजियल ऑर्गन का काम क्या है? ये हमें रिलेट करता है हमारे एंसेस्टर से. तो बहुत सारे चीजें हैं हमारे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ. वी कैन सी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अवर आईज. यू कैन सी ओवर हियर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लिका सेमी ल्यूमेरिस. हां, दिस इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अवर आईज व्हिच शोज दैट वी ऑल हैव इवॉल्वड फ्रॉम एम्फीबियंस.
फ्रॉग के पास जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है ना, तो जब ये पानी में जाता है फ्रॉग, तो वो अपने आंखों के ऊपर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये करता है जिससे कि उसको पानी में आसानी से दिखाई दे। तो हम वहां से इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस के बाद ही मैमल्स आए। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज अ व्हाट, इट इज अ इंडिकेशन कि वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस। Now, presence of this wisdom teeth, you can see that the last teeth, जिसको आप अपल दांत बोलते हो, yes, again it is of no use. हमें ये दो molar teeth से भी काम चल जाता है, last वाले दांत से तो rarely आप कुछ चबाते होगे। आप कोई भी चीज जो चबाते हो किससे चबाते हो, प्री मोलार एंड ये फर्स्ट टू मोलार से, ये लास्ट वाला मोलार का कुछ जरूरत नहीं है। But it shows the ancestries that we all have developed from apes. Even canines also. ये जो pointed दांत है canines, ये पहले के जमाने में we have evolved from मतलब lion tiger के बाद we all have evolved as ऐसा बताया जाता है। पहले के time पे flesh खाया जाता था, पहले दिमाग इतना नहीं था एप्स वगैरह को, तो वो लोग कच्चा खाते थे ना, कच्चा चीजें खाते थे, तो उनका कैनाइंस बड़ा रहता था। तो कैनाइंस बड़ा रहता था तो क्या कि वो उससे आराम से फ्लैश को, कच्चे फ्लैश को टेयर कर पाते थे। पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, दिमाग बढ़ते गया, तो द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड कुकिंग द फूड। तो कुक करने की वजह से अब ये कैनाइन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने लगी। बट अगेन इट इज प्रेजेंट टू शो दैट we have evolved from this non-vegetarians or the flesh-eating animals. Now, coccyx or the tailbone. Again, it shows that we have evolved from monkeys. So, monkeys se ape bane aur ape se hum bane. ठीक है? तो monkeys के पास tail था, पर हमारे पास उसका सिर्फ tailbone रह गया है. Yes? Very clear, beta? Next, appendix. Vermiform appendix. Appendix क्या बताता है? कि वी हैव इवॉल्व फ्रॉम काउस, गोट है ना, तो जो काउ है, गोट है, बफेलोज है, इनके अंदर जो अपेंडिक्स है, व्हाट डज इट डज, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ सेल्युलेज एंजाइम। और इसकी वजह से वो लोग घास वगैरह खा पाते, पेपर खा पाते, घास खा पाते, रिच इन सेल्युलोज। तो ये जो अपेंडिक्स, it releases one enzyme called as a cellulase which will digest this cellulose. ठीक है, तो अगर हमारा भी appendix काम करता होता तो हम भी एक घास कच्चा खा पाते, पेपर खा पाते। clear बेटा? Yes, so again this shows that we all have evolved from the all these animals, cows and all, herbivorous animals. So vermiform appendix is a shows that we all have evolved from herbivorous animal. अभी ये vestigial क्यों हो गया? Because we started eating cooked food. Very clear? Yes. Now next which we are going to learn today is the molecular evidences. Molecular evidences क्या बताता है? कि पहले आप एक छोटा सा cell ले लो, हाँ, bacteria का ही cell क्यों ना हो, या फिर आप फिश के बॉडी से सेल ले लो, आप एम्फीबियन के बॉडी से सेल ले लो, क्रोकोडाइल के बॉडी से, किसी के भी बॉडी से आप एक सेल ले लो, तो सेल के अंदर वही बेसिक चीजें प्रेजेंट होती है। हाँ, सेल के अंदर हर किसी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस है, हर किसी के बॉडी में, हर किसी के सेल के अंदर राइबोसोम होता है विच आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको हम बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर एविडेंस। मतलब आप किसी के भी बॉडी का, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का अगर आप सेल लोगे तो सेल के अंदर वही सारे चीजें, वही सारा काम करते रहेंगे। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे सबके बॉडी में, सबके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा विच विल हेल्प इन जनरेटिंग एटीपी, आर यू गेटिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर लेवल भी सबका सेम है। The cell is a basic structure and functional unit. Similarities in proteins and genetic material is also same. Okay. Very clear. ATP is the energy source in all living organisms. Very clear, beta. Yes. Any doubt? किसको नहीं को समझ में आया तो please पूछो. Next.
topic which we are going to learn today for today is the speciation. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. स्पीशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ठीक है, अब जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड बन गया. अब बर्ड के अंदर भी अलग 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 स्पीशीज है. जब आप एक बर्ड को भी देखोगे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड रेंजिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ बर्ड टू अ वेरी बिग साइज ऑफ बर्ड. मतलब अगर एक क्लास इवॉल्व हो गया तो उसके अंदर भी अलग अलग स्पीशीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज जिसको हम स्पेशिएशन बोलते हैं. ऑलरेडी एक स्पीशीज है, ऑलरेडी एक बर्ड था, तो बर्ड के अंदर ही उसी से नया स्पीशीज बनते गए. दो टाइप के स्पेशिएशन है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशिएशन, यस, या तो इंट्रा स्पेसिफिक में भी दो टाइप एलोपैट्रिक, यस, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्पेशिएशन. इंटर का मतलब होता है विदिन, अलग डिफरेंट स्पीशीज. इंट्रा मतलब सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज के अंदर दो अलग अलग एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक. एलोपैट्रिक का मतलब क्या होता है, जब कभी नया स्पीशीज बनता है. कारण क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स. ठीक है, अगर ये स्पीशिएशन किसके कारण हो रहा है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पेशिएशन. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल, आप यहाँ पे वापस डार्विन के फिंचेस का एग्जांपल दे सकते हो. फिंचेस थे, बर्ड्स थे, पर आइलैंड पे गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस का हैबिटेट सब अलग था, जबकि सीशोर पे अलग था. तो एक ही स्पीशीज है ना बेटा, सेम स्पीशीज है, इसलिए इंट्रा स्पेसिफिक अलग है वो लोग एक दूसरे से, क्यों उनके अंदर अलग अलग. हेलो मैम. हाँ मैम, आप ईयरफोन लगा के बोल रहे हो क्या? नहीं मैम, बीच बीच में आपकी आवाज एकदम लो लेते पड़ रही है. सॉरी. ऐसी बात है क्या बेटा? ईयरफोन अभी नहीं, शायद डिस्ट्रैक्ट होगा. अभी आ रही आवाज अच्छे से? हाँ मैम, अभी ठीक है. हाँ मैम. वो फैन भी फास्ट रहते हैं कभी कभी ना, उसकी वजह से भी आवाज शायद डिस्ट्रैक्ट होता है. ओके, तो इंट्रा स्पेसिफिक क्या बताया बेटा मैंने? विद इन द स्पीशीज. तो विद इन द स्पीशीज अगर सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कारण, ज्योग्राफिकल बैरियर्स, तो उसको हम बोलेंगे एलोपैट्रिक. समझा? एलोपैट्रिक मतलब अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स. ठीक है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी हो सकता है या माइग्रेशन भी एक कॉज हो सकता है, जब एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग स्पीशीज बनते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्रो बोलूंगी, तो क्रो में भी आप देख सकते हो कि है तो वो एक ही स्पीशीज क्रो ही है, बट क्रो में भी आप अलग एरिया में अलग टाइप के क्रोज देख सकते हो. अलग टाइप इन द सेंस, कुछ क्रोज होंगे जो फुल्ली ब्लैक होंगे और कुछ क्रो होंगे जिनके नेक पे ग्रे कलर का बैंड होगा. तो ये इसको हम एग्जांपल बता सकते हैं इन एलोपैट्रिक स्पेशिएशन. इज दैट वेरी क्लियर? तो कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में, अगर आप नासिक साइड में चले जाओगे तो ऐसे आप क्रो देखोगे जो फुल्ली ब्लैक होंगे, एकदम ब्लैक, मतलब पूरी तरह से ब्लैक. पर हमारे यहाँ का क्रो जो है, आप वहां पे उसको ग्रे बैंड देख सकते हो. तो ये क्या हो गया? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया और एलोपैट्रिक स्पेशिएशन हो गया. ठीक है, चलो अब हम सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन देख रहे हैं, मतलब अगेन विद इन द सेम स्पीशीज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज विद इन सिंगल पॉपुलेशन विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन.
दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ फिश दिया है इन द लेक विक्टोरिया. ये जो टाइप का फिश है उसके अंदर हमें अलग 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 वैरायटीज देखने के लिए मिले. यही एक फिश के अंदर हमें अलग अलग वैरायटीज देखने के लिए मिला. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के वजह से. वेरी क्लियर. तो जब हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण नए नए स्पीशीज देखने को मिलते हैं, यस, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया का कोई रोल नहीं है. बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब हमें नए नए स्पीशीज देखने को मिलते हैं उसे हम बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. वेरी क्लियर. यस. सो इंट्रा में आपने दो पढ़ा, एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक. एलोपैट्रिक नया नया स्पीशीज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. सिम्पैट्रिक मतलब नया नया स्पीशीज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है. इट डज नॉट हैव एनी रोल ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एरियाज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न, विच इज द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे, इज द इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन. इंटर मतलब डिफरेंट स्पीशीज. सो टू डिफरेंट स्पीशीज ऑन क्रॉसिंग मे गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज. जैसे कि अब तक हम हमेशा पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ म्यूल एंड यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ हाइनी ऑल्सो. Mule is a hybrid which has been formed between a male donkey and a female horse. When there is a interbreeding or crossing between a male donkey and a female horse को जब हम breed करेंगे तो हमें mule मिलेगा. जबकि hyena किससे बनता है? Male horse and female donkey से बनता है. तो ये क्या हो गया? Interspecific speciation. मतलब नया species मिला हमें. म्यूल भी एक नया स्पीशीज है, हाइनी भी एक नया स्पीशीज है, पर हमें दो अलग अलग स्पीशीज को ब्रीड करना पड़ा. मतलब हॉर्स और डोंकी को ब्रीड करना पड़ा. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस. सो फॉर टुडे वी विल बी लर्निंग ओनली दिस मच. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक में वी विल बी लर्निंग अबाउट अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसके लिए एक बहुत अच्छा सा कलरफुल टेबल इज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये पूरा कलरफुल टेबल है जिसको नो डाउट आपको पढ़ना है. ठीक है. So, please note down the homework for today. Please note down the homework. So, are you ready to note down the homework? Shall I dictate? Define palaeontology. Define fossil. Next, significance of fossil. Significance of fossil. From where you will be writing about the significance of fossil? See, I am showing you the cursor. ये जो तीन points हैं, इसी को आपको short करके लिखना है significance of fossil में. ठीक है. Next question. Explain types of fossil in short. I am telling you in short. पूरा textbook ही नहीं copy करना है. Types of fossil. नेक्स्ट एनी फोर या फिर पूरा ही लिखो आप. सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी. सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी. डिफाइन कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक. डिफाइन कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक. Which is connecting link between amphibian and reptile? Name connecting link between reptiles and birds. Name connecting link between fish and amphibians. Who stated bird as glorified reptiles? This is all one mark question. Who stated bird as glorified reptiles?
Where was first fossil of Archaeopteryx found? Where was first fossil of Archaeopteryx found? And where it is preserved? Next, what define convergent evolution? Next, why analogous organ do not have significant role in evolution? Why analogous organ do not have significant role in evolution? Explain. Next, name two organs providing evidences that man have evolved from primates. Next, define species. Next, explain intraspecific with its type and explain interspecific with example. Interspecific speciation with example. So many homework is there. Bahut zyada homework hai, but you are having ample time also. And I want all of you, इतने questions है तो इतने questions के answer नहीं लिखने के हैं बेटा, आप सबको textbook पढ़ना है, that is compulsory, textbook reading is must. So I request all of you कि एक बार textbook जरूर पढ़ो.